हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे आप? मैं आपकी रेनू मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। राष्ट्रभाषा भाग 5 पाठ 4 कर्मवीर। कर्मवीर कौन होते हैं? कर्म करने वाले, जो कर्म पर विश्वास करते हैं, करने में विश्वास करते हैं, कार्य करने में, भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं। तो हम पाठ पढ़ते हैं बच्चों। ये कविता जो कविता कविता है बच्चों, ये अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय जी द्वारा रचित है और बहुत ही सुंदर कविता के माध्यम से कवि ने बताया है। देखिए, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी चले, भले सब जगह सब काल में ही वे ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जो भी है, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। लोग जब ऐसा समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों, जो अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय जी द्वारा रचित है। उसमें बताया है उन्होंने कि जो कर्म करने वाले हैं, कार्य करने वाले लोग हैं, कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। जिनको काम करना है वो काम करते हैं, कर्मशील रहते हैं। जो कर्मवीर लोग होते हैं वो गीता की इस बात को मानते हैं कि कर्म करते चलिए, कार्य करते चलिए और जो होगा वो तो देखा ही जाएगा, लेकिन अपने कर्म करते रहिए, भाग्य के भरोसे मत बैठिए। देख कर बाधा विविध, बहुत सारी परेशानियों को देखकर, अनेक संकटों को देखकर जो कर्मवीर होते हैं वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हैं, बिल्कुल भी वो विचलित नहीं होते हैं और वो भाग्य के भरोसे बैठकर पछताते नहीं है कि अब जो होगा भाग्य में जो लिखा है। बहुत से लोग आपने देखा होगा बच्चों ऐसा ही कहते रहते हैं हर समय, अरे जो भाग्य में लिखा था वो हो गया। ये तो बात सही है कि जो होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना होता है, हमें कर्मशील रहना पड़ता है, हमें कार्य करना पड़ता है। क्योंकि कार्य करते रहेंगे तभी तो हमें लगेगा कि हमने कुछ किया है। जब हम कुछ करना ही नहीं चाहेंगे फिर तो बैठे रहो, जो होना है वो तो होगा ही। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, कितना भी मुश्किल काम आ जाए, कितनी भी कठिन कार्य आ जाए, लेकिन ये जो कर्मशील व्यक्ति है ये कभी भी परेशान नहीं होते, व्यथित नहीं होते, दुखी नहीं होते। ये भीड़ में चंचल बने, ये भीड़ जितनी भी भीड़ हो उसमें ये बड़े चुस्त रहते हैं, एक्टिव बने रहते हैं और जो वीर होकर भी ऐसे नहीं दिखते कि ये बड़े वीर व्यक्ति हैं। ये चुपचाप भीड़ में भी चंचल बनकर अपना कार्य करते रहते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी बने, और जब ये कार्य करते रहते हैं, कर्मशील रहते हैं, तो इनके बुरे दिन भी क्या होते हैं, फिर अच्छे दिनों में बदल जाते हैं। और सब जगह और सब समय में ये बिल्कुल फलते फूलते रहते हैं ये कर्मशील लोग, क्योंकि ये काम करने से घबराते नहीं हैं, ये काम करने से परेशान नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं, परेशानियों के आने पर जरा भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं और कर्मशील बने रहते हैं। जो काम इन्हें आज करना है उसको वो आज ही खत्म करते हैं, आज ही समाप्त करते हैं। कि हम सोचते हैं कहते हैं जो कुछ कर दिखाते, जो ये सोचते हैं जो ये कहते हैं वो ये करके दिखा देते हैं, अपने कार्य के द्वारा उसको कर देते हैं। जैसे कि कबीरदास जी के दोहे में आपने सुना, काल करे सो आज कर, आज करे सो। ये ऐसे कर्मशील लोग होते हैं जो भाग्य के भरोसे काम को छोड़ते नहीं है, जो कल करना है उसे वो आज कर देते हैं और आज जिसे करना है वो अभी निपटा कर भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं
और जो कुछ भी ये सोचते हैं अपने दिमाग में, जिस बात को सोच लेते हैं कि हमें ये काम पूरा करना है, उसको करके ही दम लेते हैं, उसको करने का निश्चय करके उसको पूरा करने का ही दम रखते हैं। ऐसे ये कर्मशील लोग होते हैं, ये हमेशा सबकी मानते हैं, जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही। जो लोग कहते हैं सबके कहने की बात को ये मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ऐसे नहीं कि अरे हम कर लेंगे अपने आप, ऐसा ये नहीं करते। ऐसे कर्मशील लोग होते हैं, ये सबकी बात पहले सुनते हैं, समझते हैं और फिर करते हैं। और ये अपने आप अपनी सहायता खुद ही संसार में करते हैं, ये किसी के भरोसे नहीं रहते कि आज वो व्यक्ति हमारी सहायता करेगा तभी हमें कुछ मिलेगा, अपनी मदद ये खुद ही करते रहते हैं। ये भूल कर भी अगर ये चाहे भी तो दूसरों के जैसे कई बार आपने देखा होगा बच्चों कि कोई काम करना होता है, इस काम को वो करेगा या इस काम को ये करेगा, और एक दूसरे की हम शक्ल देखते रहते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं है कि कभी दूसरे का मुंह नहीं देखते, क्योंकि इन्हें अपने कर्म पर विश्वास है और ये खुद कर्मशील रहते हैं, तो ये अपना काम खुद ही करते रहते हैं। और ये ऐसा कौन सा इस संसार में काम है जिसे ये कर नहीं सकते और करते नहीं है, क्योंकि इन्हें पूरा विश्वास है कि इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे कि हम पूरा नहीं कर सकते हैं। लोग जब ऐसा समय पाकर जन्म लेंगे, कभी क्या कह रहे हैं कभी कि लोग जब इस संसार में फिर से जन्म लेंगे तो वो और ऐसा सोचकर ही जन्म लेंगे कि हम कार्य करते रहेंगे, दूसरे के भरोसे नहीं बैठेंगे, तो इस देश का और इस जाति का तभी भला होगा जब हम कर्म करते रहेंगे, कर्मशील रहेंगे, किसी दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, भाग्य के भरोसे नहीं बैठेंगे और परेशानी आने पर घबराएंगे नहीं। हमेशा जो बाधाएं आएंगी, जो विघ्न आते हैं, जो दिक्कतें आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, उनका हम डटकर मुकाबला करेंगे और कार्य करते रहेंगे। तो बच्चों आपने इस कविता में देखा कि कितना सुंदर उपाध्याय जी ने कविता लिखी है कि कर्म करते रहना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। आप कर्म करते रहेंगे तभी आपके कार्य सफल होंगे। तो पाठ में आए हुआ बच्चों कुछ अभ्यास कर रहे हैं जो हम देखते हैं कि कैसे बताएं कर्मवीर कैसे होते हैं। कर्मवीर बहुत जो सोचते हैं, जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं, भाग्य के भरोसे बैठते नहीं है, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, जो काम उन्होंने सोच लिया उसको करके ही दम लेते हैं। कर्मवीर को क्या लाभ मिलता है बच्चों? कर्मवीर को लाभ मिलता है कि जो काम उन्होंने किया उसमें वो सफल हो जाते हैं और भाग्य भी फिर उनका कर्म करने की वजह से उनका साथ देता है। नेक्स्ट, जब आपको कोई फैसला करना पड़ता है तो आप क्या करते हैं बताइए? आप जब आपको कोई फैसला करना पड़े ये तो आपके ऊपर है, आपका फैसला है, तो क्या करते हैं आप? ये आप खुद बताएंगे मुझे कि जब आपको कोई काम करना फैसला करना पड़ता है तो आप सोच समझ कर फैसला करेंगे कि क्या सही है क्या गलत, बहुत उसको तोल नाप कर कि क्या हमें फैसला जो हम दे रहे हैं ये सही है भी कि नहीं है, ये अच्छा है कि नहीं है। ऐसे ही नहीं फैसला दिया जाता बच्चों, बहुत सोच समझ कर हमें फैसला देना पड़ता है। ये नहीं कि हमने इसका पक्ष लिया है तो हम इसका फैसला देंगे, जो सत्य है जो सही है जिसमें सबका भला हो वही फैसला देना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। 4 विकल्प दिए हुए हैं पाठ में से आया हुआ। देख कर बाधा विविध बहु, विघ्न विघन विधन, इनमें से कोई नहीं। बहु विघ्न पहला है, विघ्न तो हम यहाँ पहले को सर्कल कर देंगे। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न, घबराते नहीं। नेक्स्ट बच्चों, भीड़ में डैश बने जो भीड़ दिखलाते नहीं, भीड़ में क्या बने? चंचल, एक्टिव बने रहते हैं हमेशा। सेकंड नंबर पर हम सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है, भूल कर वे दूसरों का डैश कभी तकते नहीं, वो भूल कर भी किसी का क्या नहीं तकते हैं, मुंह या कि जीत या दुख या इनमें से कोई नहीं। क्या नहीं तकते हैं? मुंह नहीं तकते हैं, तो हम पहले वाले पर सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 3, पंक्तियां पूर्ण करो। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो, है ना, काम कितना भी
कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने वो वीर दिखलाते नहीं। अब ये बच्चों जो ये वाला है, ये आप इस पंक्तियों को आप पूरा करेंगे गृह कार्य में, ये जो पंक्तियां हैं कविता की पंक्तियां हैं, इनको आप कविता से देखकर इनको पूरा करेंगे अपने गृह कार्य में। तो आपने देखा कर्मवीर कैसे होते हैं, कर्म करने पर विश्वास करते हैं, भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं। कविता पढ़ी, बहुत सुंदर कविता। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।